तो दोस्तों क्वेश्चन हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, ये नीट का 10th क्वेश्चन है 2019 का। डिस्प्लेसमेंट दे रखा है सिंपल हार्मोनिक मोशन के फंक्शन का, ठीक है। उसका डिस्प्लेसमेंट फंक्शन दे रखा है जो कि क्या है, ए नोट प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कोस ओमेगा टी, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड निकालना है इसके जो इसका ऑसिलेशन होगा, ठीक है। तो उसको करने के लिए हमें तीन चीजें, तीन कॉन्सेप्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक सिंपल इक्वेशन दे रखी है तो उसमें क्या क्या चीजें क्या रिप्रेजेंट कर दिए। तो ए वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी एक्स एक सिंपल इक्वेशन होती है जिसमें ए जो होता है वो एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, साइन ओमेगा टी साइन जो है साइन ये वेव कर्व शो करता है कि वेव की तरह कर्व करेगा, ओमेगा टी जो है ओमेगा जो है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और टी जो है टाइम है, एट एनी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो ये वाला फंक्शन है, ठीक है। और इसको हम अंदर वाली चीज को हम फेज भी बोलते हैं, ठीक है। और ओमेगा की वैल्यू 2π / t भी होती है और ये SHM प्रोड्यूस करेगा। तो देखो यहाँ पे ओरिजिन पे है तो ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो ऐसे मोशन क्रिएट करेगा। लेकिन उसकी कर्व कैसे बनेगी, तो जैसे जैसे हम टाइम आगे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ऊपर बढ़ता जाएगा, तो वैसे वैसे ऊपर बढ़ रहा है तो एक टाइम आएगा एक मैक्सिमम पहुंच जाएगा, इस पॉइंट पे मैक्सिमम पहुंच गया, फिर नीचे आएगा धीरे 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 फिर ओरिजिन पे पहुंचेगा फिर से, लेकिन फिर से नीचे 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 फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, तो ये इस तरीके से मोशन होगा, ठीक है। लेकिन इसमें सिंपल इक्वेशन तो दे नहीं रखी कि अपन एम्पलीट्यूड निकाल दें, इसमें क्या दे रखी है, दो इक्वेशन दे रखी है अलग अलग। तो ऐसे उसमें क्या करेंगे, किस तरीके से दो SHM कर्व को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमको फेजर डायग्राम पढ़ना पड़ता है, ठीक है। फेजर डायग्राम क्या होता है, फेजर डायग्राम एक वेक्टर होता है जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो ये रिप्रेजेंट करता है जो उसके साथ होता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है और जो डायरेक्शन है वो इसके अंदर वाला फेज रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये दोनों एक ही चीज होनी चाहिए, साइन दोनों को साइन के उसमें कन्वर्ट करो पहले, ये साइन ओमेगा टी यहाँ पे तो ओमेगा टी है और कोस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टी, ठीक है। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ए एस टी सी, तो इस वाले क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है लेकिन पाई बाई टू का मल्टीपल है तो इसलिए वो कोस में चेंज करता है, तो इसको ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन आएगा, ठीक है। तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ठीक है। तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू को लिखा, अब ये दोनों सेम है, साइन है ये भी साइन है, इसका इसका एंगल मतलब ओमेगा टी है और इसका एंगल ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन को हम ओमेगा टी मान लेंगे, तो ये ओमेगा टी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको 90 डिग्री जब हम बढ़ाएंगे तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू रिप्रेजेंट करेगा। इसका जो मैग्नीट्यूड है ए है तो इसकी लेंथ जो होगी वो ए होगी, इसका मैग्नीट्यूड जो बी है उसकी जो लेंथ होगी बी होगी। वेक्टर को कैसे सोल्व करते हैं, सेम टू सेम ऐसे ही 90 डिग्री है तो वेक्टर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। लेकिन ये एंगल कितना बनाएगा, इसका एंगल भी तुम्हें पता करना पड़ेगा ना, तो इसका एंगल कैसे पता करेंगे, ये थीटा है ये, तो ये क्या आएगा, टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा बी बाई ए, तो ए जो जाएगा वो थीटा क्या हो जाएगा, टेन में से। तो इसकी इसकी कर्व को हम कैसे लिखेंगे, इसी कर्व को हम लिखेंगे y इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसे इसका मैग्नीट्यूड जैसे ये लिखा था ऐसे ये लिखना है, साइन क्योंकि साइन में सब कुछ, और ओमेगा टी प्लस थीटा है, ठीक है, ओमेगा टी प्लस थीटा है, जहाँ की थीटा क्या है, थीटा टेन इनवर्स बी बाई ए, ठीक है। अब इसको हम कैसे शो करेंगे, जैसे हमने पहला वाला शो किया था पहला वाला केस, तो उसको हम कैसे शो करेंगे, ऐसे शो करेंगे, ठीक है। सेम टू सेम वही कर्व बनेगी लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड होगा मतलब जो एम्पलीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन आप बोलोगे कि इसको यहाँ से स्टार्ट क्यों किया, वो यहाँ से स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि टाइम जीरो पे है, जीरो कब आने वाला है, इसकी वैल्यू साइन जीरो कब आएगा, जब ये टी की वैल्यू माइनस थीटा बाई ओमेगा होगी, ठीक है। तो माइनस थीटा बाई ओमेगा होगी तभी तो ये जीरो आएगा, तो इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो जीरो टाइम पे कहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे होगा, मतलब यहाँ पे इस टाइम पे यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन जीरो पे ये कहाँ पे होगा, यहाँ पे फिर ऐसे, ठीक है। तो इससे फेज डिफरेंस चेंज हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एम्पलीट्यूड को, क्योंकि देखो एम्पलीट्यूड ऐसा कैसे ही है, ओरिजिन को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्टार्टिंग पोजिशन पर फर्क पड़ेगा बस, ठीक है। वो कहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है। तो दो कर्व को ऐड करना अपने को आ गया, वो किस तरीके से ऐड करते हैं, वेक्टर से, तो ये इस तरीके से दिखा रहा है। लेकिन अपने को क्वेश्चन ये भी नहीं देगा, अपने को क्वेश्चन एक और चीज ऐड करके दे रही है, अपने को एक और ऐड करके दे रखी है ना ए नोट, तो उससे भी अपन देख लेते हैं उसमें कैसा होगा।
तो ए नोड जब ऐड होगा तो उसमें क्या होगा, तो जैसे ये वाई ए नोट प्लस वाई डैश है, तो वाई डैश मैंने यही लिख दिया जो हमने निकाला हुआ है, तो वाई डैश का मैंने ग्राफ बनाया एज इट इज। अब ए डैश में क्या होगा, बस ये जो है ना ओरिजिन है ये शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे, ए पे, ए नोट पे, तो जो यहाँ पे हो रहा था वही अब यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, ए नोट प्लस ये, और मिनिमम वैल्यू ए माइनस ये। तो इससे क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन शिफ्ट हुआ, मीन पोजिशन शिफ्ट हुई, ठीक है, मीन पोजिशन शिफ्ट हुई, मोन पोजिशन यहाँ पे पहुंच गई। लेकिन एम्पलीट्यूड हमसे तो एम्पलीट्यूड पूछा, एम्पलीट्यूड तो सेम रहेगा, तो एम्पलीट्यूड सेम रहेगा तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन टू इज करेक्ट, ठीक है। एक चीज और याद तो कर लीजिएगा, अगर आपको डायरेक्ट करना है सीधा, अगर आपको ये टू समेशन टू नहीं करना, तो दो कर्व है, अगर दो कर्व की फ्रीक्वेंसी वगैरह मतलब अंदर की चीज सेम है और वो एक कोस में एक साइन में, तो उसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो ये होगा, मैक्सिमम वैल्यू ये होगा, ठीक है। तो अगर मीन पोजीशन जीरो तो ये माइनस यहाँ से यहाँ पर, तो एम्पलीट्यूड सीधा ये आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।